दोस्तों मैं मौजूद हूँ जयपुर में हीरो के सीआईटी में, यानी कि सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर हीरो वर्ल्ड 2024 के लिए मैं आया हूँ, जहाँ पर कंपनी ऑलरेडी दो मोटरसाइकिल्स, उसमें से एक लॉन्च कर चुकी है और एक दिखा चुकी है। जो मोटरसाइकिल लॉन्च कर चुकी है वो है हीरो एक्सट्रीम 125R और जो दिखाया है हीरो की मैवरिक 440। अब देखो उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाके देख लो। यहाँ पर मैं क्या दिखाने वाला हूँ, हीरो वर्ल्ड 2024 के दौरान कंपनी ने ये तीन बाइकें जो शोकेस की हैं, HF Deluxe, Glamour और Splendor Plus, ये बेसिकली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल्स हैं और ये इथेनॉल E20 से लेकर E85 तक इसमें इथेनॉल ब्लेंड मिक्स फ्यूल आप डालकर इन्हें चला सकते हैं। खैर अभी तो प्रॉपर उस तरीके से मोटरसाइकिल्स लॉन्च वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ गवर्नमेंट वगैरह के लिए है, और जब गवर्नमेंट मतलब प्रॉपर रेडी हो जाएगी इथेनॉल फ्यूल को लॉन्च करके भारतीय बाजार में कि लोग चला सकते हैं इजीली E85 तक E100 तक, तो ऑब्वियसली बात है हीरो मोटोकॉर्प तैयार है इन बाइक्स को लेकर। वैसे ही ये बाइक्स भारतीय बाज़ार में जो प्राइवेट बायर्स हैं उनके लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने आइकमा यानी कि आइकमा 2023 के दौरान जिस तरीके से पवेलियन बनाया था वीडा को लेकर खासकर, वैसा ही पवेलियन यहाँ पर भी बनाया है हीरो ने। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर जिस तरीके से कम्युनिटी चार्जर आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडा का, और वीडा V1 प्रो प्लस ये स्कूटर यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा कस्टमाइज कंपनी ने किया है ताकि थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट या यूनिक फील आपको देखने को मिल सके। बाकी यहाँ पर ये चार्जर आप और देख सकते हैं, फास्ट चार्जर है। इसके अलावा इधर अगर आप आते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, ये है हीरो की पहली इलेक्ट्रिक बाइक, ऑफ रोडर बाइक आप कह सकते हो। देखो डकार रैली 2024 में तो वैसे ही हीरो मोटोकॉर्प ने झंडे गाड़ दिए, तो यहाँ पर ये बाइक देखें, ये ऑफ रोडर बाइक है हीरो की वीडा, 82 किलोग्राम वजन है और शॉर्ट हाइट वाले राइडर्स इसे ईजिली चला सकते हैं। एक बार फुल चार्ज करोगे एक घंटे तक लगातार आप इसे चला सकते हैं। बाकी लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्रेम पर इस बाइक को बनाया गया, तो इसी वजह से इस बाइक का जो वजन है वो 82 किलोग्राम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर V1 Pro रखा हुआ है जो कि नॉर्मली लोगों को खरीदने के लिए भारतीय बाजार में मिल रहा है। बाकी यहाँ पर एक छोटी सी मोटरसाइकिल और है जो कि एक्रो, जिसका नाम रखा गया है एक्रो, वीडा एक्रो, और ये जो बाइक है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है और बच्चों के लिए है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक नज़र आ रही है, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है अगर आप देखते हैं, मतलब छोटे बच्चे अगर इस बाइक को चलाएंगे ना तो उन्हें अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, मतलब हायाबुसा वगैरह सब फेल है यार। इस लेवल का कॉन्सेप्ट कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है वीडा एक्रो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने शोकेस किया, एक तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया है कि किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने वीडा V1 Pro को या V1 Plus को, तो यहाँ पर प्रॉपर सारी कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हो तो ये प्रॉपर वीडा V1 Pro का एक ज्यूक बॉक्स कॉन्सेप्ट है और प्रॉपर DJ थीम वगैरह बना के, मतलब ग्राफिक्स वगैरह देख लो, प्रॉपर यहाँ पर DJ वगैरह कंपनी ने लगाया है, और यहाँ आपको एक टैबलेट वगैरह दे दी जाती है, प्रॉपर DJ वाला फील दे दिया जाता है, हेडफोन वगैरह भी हैं, तो ऐसे में अगर आपको DJ वगैरह चलाना है इस स्कूटर के साथ तो वो भी चला सकते हो। स्पीकर्स वगैरह यहाँ कंपनी ने इंटीग्रेट किए हैं। इसके अलावा उधर की तरफ ये जो दूसरा स्कूटर है ये आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो स्कूटर है इसे बनाया गया है प्रॉपर कूपे डिज़ाइन देकर, मतलब कूपे गाड़ियाँ देखी होंगी, कूपे SUV देखी होगी, सेडान देखी होगी, लेकिन यहाँ पर हीरो वीडा का V1 Pro कूपे डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ यहाँ पर पेश किया गया है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप देख सकते हैं, बाकी कूपे यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। इसमें आपको स्पेस वगैरह मिल जाता है, ऑब्वियसली बात है आप सामान वामान जो रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। सिंगल सीट है तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये है कूपे हाईटी एडिशन। अब ये कूपे हाईटी एडिशन क्या है, प्रॉपर एक हेरिटेज, प्रॉपर राजा महाराजाओं वाली फील दे दी है इस स्कूटर के साथ, मतलब आपके पास चाय का प्याला ये पीतल में होगा, खाना वाना खाने के लिए यहाँ पर आपको दो पीतल की तांबे की चम्मचें दे दी गई हैं, ये कुछ इस तरीके का वुडन फिनिश आपको स्टोरेज स्पेस दे दिया गया है, सीटें जो हैं वो प्रॉपर आपको एक रॉयल सीट दे दी गई है रॉयल फैब्रिक के साथ, और आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा छोटा सा स्टोरेज स्पेस है जो कि आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस देख सकते हैं, V1 यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन कलर में जो कि बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये है वीडा V1 Pro, ये कंपनी रखा हुआ है, ये भी सेम वही कूपे कॉन्सेप्ट वाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी ये कुछ एक्सेसरीज कंपनी ने रखी हैं जो कि वीडा इंटू डूडलेज ये कंपनी है, इनके साथ कंपनी ने मिलके बनाया है। और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं वहाँ पर कंपनी ने और क्या शोकेस किया हुआ है इस हीरो वर्ल्ड 2024 के दौरान।
तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सर्ज, देखो ये बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प का ही ब्रांड है और इसके दो तीन स्कूटर्स वगैरह कंपनी ने रखे हैं, एक कमर्शियल व्हीकल भी रखा हुआ है और कॉन्सेप्ट वगैरह दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में अगर लॉन्च किए जाएंगे तो क्या डिज़ाइन लैंग्वेज हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है। तो सर्ज बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प का ही एक स्टार्टअप है जिसमें आपको कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है, शायद ही ऐसी कोई कंपनी सोच भी पा रही है जो कि हीरो करके भी दिखा रही है। अब यहाँ पर ये जो स्कूटर है ये आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और पीछे आपको इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर दिख रहा होगा। पहले मैं आपको ना प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर जिस पर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर साथ के साथ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर भी बना सकते हैं, और वो जो थ्री व्हीलर है वो बेसिकली पैसेंजर वाला थ्री व्हीलर भी बना सकते हैं और एक लोड उठाने वाला भी आप एक थ्री व्हीलर बना सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म आपने देख लिया है, 6 किलोवाट मोटर से लेकर 13 किलोवाट मोटर तक यहाँ पर आपको देखने को प्रॉपर मिल जाती है, और जिस तरीके से विदा V1 में आपको डिटैचेबल बैटरी मिलती है इसमें भी आपको मिल जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टू व्हीलर और ये थ्री व्हीलर, अब थ्री व्हीलर आप देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भैया यहाँ पर चीज़ें कहाँ हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बेसिकली इस थ्री व्हीलर में ही इस टू व्हीलर को डालकर प्रॉपर इसे थ्री व्हीलर बना दिया जाता है। अब मात्र 3 मिनट का वक्त लगता है, तीन मिनट वक्त के अंदर ही ये जो स्कूटर है इसे प्रॉपर थ्री व्हीलर बना दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब प्रॉपर ऐसे समझो कि जिस हिसाब से कंपनी सोच रही है, जिस हिसाब से कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, जिस हिसाब से कंपनी चीज़ों को विकसित कर रही है, वो लेवल एक अलग ही है और अलग लेवल में आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो देखा आपने S32 यानी कि Surge 32, थ्री व्हीलर से टू व्हीलर, अब इसी थ्री व्हीलर से आप टू व्हीलर भी बना सकते हो, और ऑब्वियसली बात है जब टू व्हीलर थ्री व्हीलर बना है तो पावर भी ज़्यादा हो ही गई है, रेंज भी ज़्यादा हो ही गई है। ओवरऑल आप बताओ आपको हीरो वर्ल्ड 2024 में ये प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट कंपनी ने पेश किया है और जो प्रॉपर प्रोडक्ट्स पेश किए हैं वो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हीरो के पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है।